मुझे इंस्पेक्टर साहब से बात करनी है। क्यों, क्या काम है? जी, मुझे FIR लिखवानी है। एक मिनट साहब, एक लेडीज आई है FIR लिखवाने के लिए, भेजूं क्या? जी ओके, जाइए मैम, सामने वाला कैबिन है। जी शुक्रिया। आइए प्लीज, आपको FIR लिखवानी है, बैठिए और मुझे पूरी बात तफसील से बताइए, क्या हुआ है? सर, मेरा नाम सिद्रा है, मुझे अपने हस्बैंड की मिसिंग कंप्लेन लिखवानी है। मैं आपको शुरुआत से तफसील से सब बताती हूँ। आज से 6 माह पहले मैंने कामरान से लव मैरिज की थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, पर मेरे मामा और पापा को ये रिश्ता पसंद ना था, क्योंकि कामरान एक यतीम खाने में पला बड़ा था, उसके पेरेंट्स नहीं थे। पहले तो उन्होंने इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया था, पर 4 माह पहले मेरी बर्थडे पे वो मुझे घर ले आए और उन्होंने कामरान को भी एक्सेप्ट कर लिया। मैं बहुत खुश थी कि सब ठीक हो गया। आज से ठीक 2 माह पहले कामरान किसी काम से गया तो वापस ही नहीं आया। मैंने उसे बहुत तलाश किया, पर ना तो उसका फ़ोन मिल रहा था और ना ही वो अपने किसी फ्रेंड की तरफ था। मामा पापा कहने लगे कि वो बेवफा था, मुझे छोड़ के चला गया, शायद मैं इनकी बात का एतबार कर लेती। पर कामरान पिछले 2 माह से मुसलसल मेरे ख्वाब में आ रहा है और हमारे घर की बैक साइड पे परेशान खड़ा नजर आता है। कभी मुझे मदद के लिए पुकारता है और कभी रोते हुए नजर आता है। सर, मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। और कल तो मैंने अजीब ख्वाब देखा कि मेरे मामा और पापा कामरान को घसीटते उस साइड पे लेके जा रहे हैं जहां वो मुझे दिखाई देता है। आज सुबह मैं उस तरफ गई तो मुझे यूं लगा जैसे उस जगह की मिट्टी गीली है। प्लीज सर, मेरी मदद करें, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। ठीक है, हम आपके कहने पर चेक कर लेते हैं। अगर आपका वहम भी हुआ तो तफ्तीश के बाद आप मुतमईन हो जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब ने एक टीम तैयार की और उसके साथ उसके घर आ गए। मुआयना करने पर और खुदाई करने पर उन्हें कामरान की डेड बॉडी मिली। शक की बिना पर तफ्तीश के लिए इंस्पेक्टर साहब ने उसके पेरेंट्स को गिरफ्तार कर लिया, पर सिद्रा को यकीन था कि ये सब उसके पेरेंट्स नहीं किया था, क्योंकि वो कामरान को नापसंद करते थे।